और हमारे बीच में ESDA की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है ना, उसको मैं आमंत्रण देना चाहूंगी। डॉक्टर जितेंद्र नागर जी सभी का नाम लेकर के बुलाएंगे। ESDA की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जो कि तमाम व्यवस्थाओं में लगी रही, उन्हें विधायक जी के हाथों स्मृति चिन्ह दिलवा करके और हमारे अध्यक्ष महोदय के हाथों स्मृति चिन्ह और तमाम वरिष्ठ व्यक्तित्वों के हाथों तो उनका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि ये बड़े सहयोगी टीम है। डॉक्टर संध्या मिश्रा जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं NRC कॉलेज, डॉक्टर गीतांजलि सगीना आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर कविता खटाना आप गलगोटिया में असिस्टेंट प्रोफेसर है, और सरिता वर्मा हमारी धर्मपत्नी वो भी कार्यकर्ता है, और डॉक्टर रिंकल शर्मा जी आप शारदा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और भी अलका बहन जी जिन्होंने, मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में, रवि दहमत जी उनकी जगह डॉक्टर नदीम जी बैठे थे, नदीम साहब आप भी आ जाओ, जिन्होंने इसमें किया है, रविंदर नागर, अच्छा ठीक है, और जो भी क्योंकि काफी लोगों की इसमें भूमिका रही थी, मैं चाहूंगा माननीय विधायक जी और हमारे अधिकारी गण मोमेंटो देखे, क्योंकि उत्थान समिति की तरफ से हम और हमारे सिरोही साहब जो विधायक है, भैया कोई नहीं एक आधा कमरा का, हाँ कनिका बच्चे आप इधर क्यों रह गए, कनिका अगर कोई इधर उधर छिपा हुआ है तो मैं माफी चाहूंगा, इधर टेंट लगा हुआ है। ESDA के वैसे तो मदन पांचाल भी हमारे ESDA के फाउंडर मेंबर हैं, मदन पांचाल जगत जी, मदन जी आप भी आ जाओ, मान लो मदन विधायक जी, मदन पांचाल जी भी संस्था के फाउंडर मेंबर हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए कार्यक्रम करने के लिए बहुत लोगों का पसीना लगता है और बहुत लोगों की इसमें, अरे डॉक्टर सविता तनेजा जी मैम इसमें नहीं दिख रहा, आप बाद में नाराज हो जाओगे कि मेरा नाम नहीं लिया, मास्क में पहचान में नहीं आ रहे, मैं चाहता नहीं किसी की नाराजगी हो, एक ग्रुप फोटो करेंगे हम बाद में सभी का। यादव साहब ये अपनी बहुत कर्मठ टीम है, अच्छा रवि जी आ गए, रवि जी को दो ये गाजियाबाद में काफी नहीं जनता के लिए, नदीम जी आप भी अभिया पांच, ये तो बैकबोन है इस कार्यक्रम के, अरे कोई बात नहीं मुझे मालूम है, कविता हो गया होगा, हाँ एक साथ में ग्रुप फोटो कराता हूँ, अब थोड़ा कैसे करेंगे लंबा हो जाए, ओके जी के साथ आ जाओ आ जाओ, बस ठीक है बाबू चौसा बाबू ना पे आ गए अरे चौसा हाँ हाँ मैं थोड़ा पीछे आओ। सीएम राकेश जी मुझे बहुत लेट दिखाई दिए सादापुर से, राकेश जी संजय भाटी जी देवराज जी संदीप जी, उत्थान की तरफ से मैं श्री MK मिश्रा जी, श्री SK मिश्रा जी, विनीत गोयल जी भी अभी यहीं पर थे, विनीत गोयल जी आपने बताया नहीं ना, और स्नेहा राजेश मनोज सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि ये लोग मंच पर आ जाएं, मैं उपस्थित हैं जो कि उद्यान अधिकारी हैं GDA के, और जिनकी वजह से आज हम ये कार्यक्रम सिटी फॉरेस्ट में करने में सक्षम हो पा रहे हैं, बहुत हमें सहयोग मिला है इनका,
इन्होंने यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ के सारे जो भी व्यवस्थाएं थी इसमें काफी मदद करी है इन्होंने। सत्येंद्र जी ने जिनके भी नाम लिए हैं वो सभी आ जाएं, क्योंकि मैं खुद भी दो दिन से लगातार देख रही हूँ कि किस तरह से आप सब लोग जो हैं निरंतर मदद कर रहे हैं। हिंडन महोत्सव का होना इतना आसान नहीं था, लेकिन आप सबकी अंथक मेहनत ने और स्नेहा है और जितने भी बच्चे हैं राजेश और ये सब लोग, इन लोगों ने इस महोत्सव को जो है ये मूर्त रूप दिया है। गुणीजनों का आना, इतने अतिथियों का आना, उन सभी को संभालना, देखना, सारी व्यवस्थाएं करना, ये जब तक सशक्त टीम ना होना तब तक संभव नहीं होता। और वाकई उत्थान समिति की सशक्त टीम ने ये कर दिखाया। ठीक है, कही थी कि होने ही चाहिए, जरूर होने चाहिए। कुछ तो सोचते हैं हम कम से कम अपनी धरा के बारे में, और वैसे तो हम अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते हैं। बंदा बधाया हमारा, राज मैम को मंच पर बुला रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है कोई आयोजन सोचना और फिर उसे, मेरा ये मानना है कि कोई भी आयोजन ना वो ब्याह शादी से कम नहीं होता। बिल्कुल शादी जैसा, मतलब भाग दौड़, व्यस्तताएं और उतनी जिम्मेदारी, रातों की नींद। अब मान लीजिए हम लोग तो 3 दिन से आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की नींदें कितने दिन से उड़ी पड़ी होंगी जो कर रहे हैं आयोजन, और तमाम भाग दौड़ करके ऐसा सफल हिंडन महोत्सव करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्थान टीम को। और साथ ही साथ आज जो ये मंथन का आयोजन हुआ है, एनवायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों संस्थाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये कारवां यूं ही चलता रहे, इसी तरह से हम लोग जो है आयोजनों को देखते रहें, सुनते रहें। कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये जो कारवां बना है ये यूं ही चलता रहे। बहुत शुक्रिया सर आपकी उपस्थिति के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मास्टर इकबाल जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनको भी हम मंच पर बुलाना चाहेंगे कि वो आए। और इकबाल जी का नाम आते ही बहुत सारे शेर जहन में आ जाते हैं। बहुत सारी रचनाएं जहन में आ जाती हैं। जी जी जी। और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर जितेंद्र नागर और सत्येंद्र जी जो हैं वो इकबाल जी को स्मृति चिन्ह दे करके कर तो दिया जी, इकबाल जी को स्मृति चिन्ह दे करके, और हाँ पार्षद सर हमारे ये यहाँ रखे थे। चौधरी जी का क्या बात है, इकबाल जी ने 100 पेड़ लगाए हैं जो अभी तक जिंदा हैं पेड़ सारे, और उनकी देखरेख अभी तक लगातार ये कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर 100 पेड़ लगाए, हम तो आग्रह कर रहे हैं आप एक ही लगा दो, एक व्यक्ति एक पेड़, इतनी सी जिम्मेदारी दे रहे हैं। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी भी यही लोग निभा रहे हैं, मतलब इन्होंने 100 पेड़ लगाए हैं, तो बहुत बधाई आपको बहुत इस नेक काम के लिए। हमारे पार्षद सर जो हैं वो लगातार जो है ऐसी मुहिम में सहयोग करते हैं और लगातार साथ बने रहते हैं, सहयोग करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।